आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि बहुत बड़ी खबर सामने आई है जिसका नोटिफिकेशन आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। जी हां, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से आने वाली तमाम भर्तियों का नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसमें कई भर्तियों का जिक्र तो अभी कर दिया गया है और आने वाली कई भर्तियों का जो है जिक्र उसने नोट पॉइंट में भी करके दिया हुआ है। कौन कौन सी वैकेंसीज आने वाली हैं और किस मंथ में आने वाली हैं, ये सभी है, आप इसको पढ़ सकते हैं। तो बहुत बड़ी खुशखबरी आपके सामने मैं लेकर आया हूं। जी हां, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, जिसमें कई भर्तियों का जिक्र आयोग की तरफ से किया गया है और आने वाली कई भर्तियों को भी उसने मेंशन किया है। वो कौन कौन सी भर्तियां हैं और कब आने वाली हैं, कितनी आने वाली हैं, सभी की डिटेल में आप सभी के लेकर आया हूं। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा की तैयारी करते हैं, समीक्षा अधिकारी की तैयारी करते हैं, सहायक समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं, तो जी हाँ, ये वीडियो आप ही के लिए बना है। आइए जल्दी से बिना देरी किए इसको खुशखबरी को आपके सामने मैं लेकर आता हूँ। देखिए, आज के इस वीडियो में जो हम लोग बात करने वाले हैं, वो बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से जो ऑफिशियल नोटिस 2023 का आउट किया गया है, उसमें कई भर्तियों का जिक्र किया गया है। इसके अंदर हम बात करने वाले हैं कौन कौन सी भर्ती आने वाली है और पूरा कैलेंडर आउट कर दिया गया है। कैलेंडर में कई भर्तियां नाम अभी आप देखेंगे, कई इस कैलेंडर में कई भर्तियों के नाम है और कुछ वो अलग से बताया गया है। और दूसरी चीज, इसमें जिन महीनों का नाम लिखा है वो है जुलाई से लेकर अगस्त। जी हाँ, कुछ और कुछ भर्तियों की डिटेल अगस्त में बताई गई है, मतलब कुछ भर्तियों के फॉर्म अगस्त से शुरू हो सकते हैं। अगर यहाँ पर टोटल देखा जाए, एग्जाम शुरू होने में आपको कितना दिन मिलने वाला है, तो आखिरी 120 दिन, मतलब अब आज से ये मान के चलिए कि बहुत ज्यादा अगर आपके पास दिन बचते हैं तो 4 महीने, 3 से 4 महीने के बीच आपका ये एग्जाम हो चुका होगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम हो सकते हैं। तो आइए जल्दी से आपको स्क्रीन पर ले चलता हूं और दिखाता हूं कि देखिए यहाँ पर कौन कौन सी भर्तियां आपके सामने आती। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं जो विज्ञप्ति जारी की गई है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से, उसमें कई वैकेंसीज का जिक्र है। जैसे सबसे पहले जो है वो सहायक नगर नियोजक परीक्षा 2023 के बारे में बात की जा रही है। इसके पद का नाम है सहायक नगर नियोजक, इसमें पदों की जो संख्या है अनुमानित है 24। देखिए, अनुमानित है इसका मतलब ऊपर नीचे भी यहां पर हो सकती है। और इसमें विज्ञापन निकलने वाला कब है, वो निकलने वाला है अगस्त माह में या अगस्त माह के द्वितीय सप्ताह में। अब हम बात करने वाले हैं यहां पर सेकंड, स्टाफ नर्स की भर्ती होगी पुरुष महिला दोनों के लिए। स्टाफ नर्स पुरुष महिला पद होंगे यहां पर 2240, अच्छे खासे पद होंगे 2240 माह अगस्त 2023 के द्वितीय सप्ताह में। बात करें अगर तीसरे, स्टाफ नर्स आयुर्वेद महिला पुरुष दोनों, इसमें भी स्टाफ नर्स आयुर्वेद के पदों का नाम है और पदों की संख्या होगी 300, ये भी माह अगस्त 2023 के द्वितीय सप्ताह में रिलीज हो सकती है, विज्ञप्ति इसका जो विज्ञापन है वो आ सकता है। अगर हम बात करें चौथे पोस्ट की, तो यहां पर आप देख पा रहेंगे भूतत्व एवं खनिकर्म उत्तर प्रदेश सहायक रसायन, ये पद का नाम होगा और इसमें 2 पोस्ट होगी, इसका भी जो विज्ञापन है वो माह अगस्त 2023 के द्वितीय सप्ताह में आपको देखने को मिल जाएगा। पांचवी जो पोस्ट है, उत्तर प्रदेश आयुष होम्योपैथिक विभाग में निकलने वाली वैकेंसीज हैं, जो होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी होंगे, 54 पोस्ट निकलेंगी इसमें, लगभग ऊपर नीचे भी हो सकती हैं, माह अगस्त 2023 के द्वितीय सप्ताह। ज्यादातर ये अभी तक आप जो देख पा रहे हैं वो द्वितीय सप्ताह की बात हो रही है। अगस्त के 6ठी पोस्ट जो है उत्तर प्रदेश आयुष होम्योपैथिक विभाग के होम्योपैथिक प्रोफेसर के पद होंगे यहाँ पर अलग अलग विषयों पर, इसमें टोटल पद हो सकते हैं 27 के आसपास और ये भी द्वितीय सप्ताह के आसपास निकलने वाली है। 7वीं पोस्ट है प्रशिक्षण विभाग का जो है राज्य नियोजन संस्थान उप निदेशक है, 1 पोस्ट होगी इसमें, ये भी निकलने वाली है आपकी 2nd पोस्ट, मतलब सेकेंड वीक में अगर देखा जाए अगस्त के। तो आप अभी आपने क्या देखा कि अगस्त के 2nd वीक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, वहां पर अच्छे खासे वैकेंसीज के जो विज्ञापन है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर यहां से ये देखा जाए कि अगस्त के 2nd वीक में अगर ये नोटिफिकेशन आ जाता है तो एग्जाम के लिए आपको लगभग 3-3.5 महीने और मिलने वाले हैं। इसका ये मतलब हुआ लगभग आपको आज से अगर देख लिया जाए, टोटल देख लिया जाए घटा बढ़ाकर, तो 120 दिन मिलते हैं, मैं मान के चल रहा हूं 3 से 4 महीने के बीच में,
मैक्सिमम मान लेते हैं तो 120, मिनिमम मान लेते हैं तो 3 महीना। तो इस महीने इतने टाइम में आपको क्या करना है कि अपनी तैयारी को और जोर दे देना है। और कुछ लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे होंगे, भाई मेरे समीक्षा अधिकारी का तो नाम ही नहीं लिया, आरओ आरओ का तो नाम ही नहीं लिया। लेकिन परेशान ना हो, आपके लिए भी आयोग ने कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर लिख रखा है, आइए जल्दी से उसको भी पढ़ लेते हैं। आइए, जिसका आप इंतजार कर रहे हैं उसके नोटिस को भी अब लोग पढ़ लेते हैं। तो ये परीक्षा नियंत्रक अजय कुमार तिवारी जी हैं, उनकी तरफ से निकाला गया है, महत्वपूर्ण नोट है। अभ्यर्थियों को यह सूचित किया जाता है कि उपर्युक्त पदों के विज्ञापन के अतिरिक्त भविष्य में आयोग द्वारा अन्य पदों के विज्ञापन यथा सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा, अपर निजी सचिव परीक्षा, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा आदि संभावित हैं। अतः अभ्यर्थियों से ये अपेक्षा की जाती है कि ये उक्त अनिवार्य रूप से उक्त पदों से संबंधित जारी होने वाले विज्ञापनों के पूर्व ओटीआर प्रक्रिया पूर्ण करके ओटीआर नंबर अनिवार्य रूप से प्राप्त कर लें, जिससे पद के विज्ञापन की अवधि में ऑनलाइन आवेदन करने से ये वंचित ना हो। भविष्य में ओटीआर नंबर ना प्राप्त करने के कारण ऑनलाइन आवेदन ना कर पाने का संपूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का ही होगा। तो यहाँ पर साफ साफ डिटेल बता दी गई है कि आप जिन वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं उनका भी डिटेल आने वाले समय में आपको देखने को मिल जाएगा। जो वैकेंसी दी गई हैं वो भी आ सकती हैं, आएंगी, और जिनका आप इंतजार कर रहे हैं वो भी। तो आप एक चीज अच्छे से समझ लीजिए साथी, कि भाई आपको अब क्या करना है कि अपनी पढ़ाई शुरू कर देनी है। अब आपको इंतजार बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि अगर आप अब बैठ गए तो फिर मुश्किल आपको घर कर सकती है, क्योंकि आप अपने पढ़ाई को धार देंगे तब जाकर बात कुछ बन पाएगी। तो आज के इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपके साथ शेयर की है, नोटिस शेयर की है। इसके लिए आपकी गुरु दक्षिणा बनती है, फटाफट जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, और हाँ शेयर करिए अपने सभी दोस्तों को जो इसकी तैयारी कर रहे हैं। मिलते हैं ऐसी ही एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।